23 तारीख को परिणाम दिवस है। भाई साहब ऐसा लगता है कि पूरे देश में जिस प्रकार से हम पिछले 15-20 दिन से चुनाव प्रचार में हैं और पूरे देश से जो माहौल बनकर निकल कर आ रहा है, सुनने को आ रहा है, देखने को मिल रहा है कि हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने वाले हैं, ये सारे देश में माहौल है। और इसी माहौल को कायम रखने के लिए आप सब, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी वोट मिलते हैं, क्यों जी 10% वोट मिलते हैं, मैं माताओं से, बहनों से, बच्चों से, भाइयों से पूछना चाहता हूँ, बुजुर्गों से, हम इस गांव में मात्र वोट की अपील करने नहीं आए। आप हमारी भारतीय जनता पार्टी हो, आप जो सामने खड़े हो सब भारतीय जनता पार्टी हो, आप अपने आप को नरेंद्र मोदी जी मानकर, आप अपने आप को अलवर का प्रत्याशी बालकनाथ मानकर, आप अपने आप को भारत का आने वाला भविष्य मानकर पूरे क्षेत्र में घूमे, पूरे लोगों से मिले, सबसे बात करें और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर मतदान कराने का आग्रह करें। मंत्री ने जो जमीन पर काम करके दिखाया है और जो देश का मान सम्मान जिस प्रकार से पूरे विश्व पटल पर बना है, उस आधार पर वोट मांगिए। कोई कारण नहीं होगा कि सामने वाला हमें वोट न देगा। जब उन कामों के बारे में बताएंगे तो हर व्यक्ति के पास काम पहुंचा, हर व्यक्ति को कोई ना कोई योजना के माध्यम से लाभ पहुंचा है, इसलिए हम उनके साथ बैठेंगे, बात करेंगे तो सब हमको अपने पक्ष में वोट देने का कहेंगे। बस हमें जरूरत है उनके पास जाने की, उनके साथ बात करने की। वो चाहता है कि कोई मेरे पास आए और जाने से निश्चित रूप से हमारे साथ आएगा, क्योंकि हमारा काम जोड़ना होगा ना कि तोड़ना होगा। हम अगर जोड़ने का काम करेंगे तो जुड़ेंगे, अगर तोड़ने का काम करेंगे तो टूटेगा। इसलिए जोड़ने के भाव से जाइए, बड़ा दिल करके जाइए, बड़ा हृदय करके जाइए और निश्चित रूप से सामने वाला हमारी पार्टी को भी आएगा और भारतीय जनता पार्टी को मतदान भी करेगा। मैं माताओं से पूछना चाहता हूँ कि इस प्रकार की योजनाएं रही, आपके घर में गैस का चूल्हा है माता जी? नहीं है, वो मना कर रहे हैं। किसी को नहीं होगा, लेकिन हमारी सरकार की योजना में फ्री गैस के चूल्हे बांटे गए हैं। किसी को रह गया तो चुनाव के बाद मिलेगा। सुन ले भाई, चुनाव के बाद मिलेगा, लेकिन क्या है, इस आधार पे हम वोट मांगने जाएं और निश्चित रूप से हमारे को वोट मिलेगा। आपने 5 वर्ष पूर्व जब 2014 का चुनाव था, परम पूज्य महंत चारनाथ जी को भारी मतों से विजयी बनाया और अलवर के इतिहास में सबसे बड़ी जीत देने का काम किया, लेकिन परमात्मा की इच्छा नहीं थी, परमात्मा ने उनको अपने पास बुला लिया। चुनाव के तुरंत बाद गले का ऑपरेशन हो गया, गले के ऑपरेशन होने के कारण ना बोल पाते थे ना कुछ खा पाते थे, अपने अंतिम समय तक गले से कुछ खाया नहीं, गले से एक शब्द तक बोला नहीं, बहुत ही नाजुक स्थिति रही। लेकिन उनका सपना था कि अपने अलवर वासियों को पानी की सुविधा का उपलब्ध कराऊं, अपने अलवर को चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़ाऊं, अपने अलवर को स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अपने अलवर को शिक्षा के क्षेत्र में, सभी कामों पर उनकी बहुत बड़ी इच्छा थी काम करने की, लेकिन परमात्मा की इच्छा ने जी उनको अवसर नहीं मिला। मैं उस काम को लेकर आपके बीच में आया हूँ, आप मुझे अवसर प्रदान करें। वो सपने लेकर आपके बीच में आया हूँ, आप अवसर प्रदान करें। जो रूपरेखा आपने अलवर के लिए उन्होंने तैयार कर रखी थी कि अलवर को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, वो काम लेकर मैं आपके बीच में आया हूँ, आप अवसर प्रदान करें। जो मैं आज स्थान पर हूँ, यहाँ पार्टी के एक प्रत्याशी के रूप में आप सबके सामने हूँ, ये सारा का सारा अगर सौभाग्य जाता तो आप सब अलवर वासियों को जाता, मेरी मातृभूमि को, इस अलवर को जाता है, इसी पे मुझे ये सब कुछ मिला है, अन्यथा कोई कारण नहीं था। जो कुछ भी आज मुझे प्राप्त हो रहा है, जो कुछ भी मान सम्मान मिल रहा है, वो सब इस अलवर की बदौलत, इस मातृभूमि की बदौलत मिल रहा है। इसी को अपना परम धर्म मानते हुए, जब आप सबसे मुझे इतना मान सम्मान मिल रहा है तो आगे भी निश्चित रूप से मिलेगा, उसी को अपना कर्म और धर्म मानते हुए मैं यहाँ पर अपने अलवर वासियों को, अपने क्षेत्र को, अपने लोगों को, अपने राजस्थान के अग्रिम पंक्ति का जिला बनाने का संकल्प करता हूँ। लेकिन आप मुझे साथ दें, आप मुझे समर्थन करें और यही ध्येय लेकर आया हूँ कि मैं मेरे गुरुजी का नाम और आपका काम करके दिखाऊंगा। आप मुझे अवसर प्रदान करें, आने वाले समय में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी ये निश्चित है, और अलवर से अपना सांसद बने, उसके साथ में मिलकर अपने अलवर में पानी की समस्या का समाधान हो, उसके साथ में अलवर में समग्र विकास हो, गांव गली मोहल्ले का, शहर का, हर तरह का विकास हो, उसके लिए हमारे सरकार के साथ अलवर वासियों को जुड़ना होगा। जिस रास्ते पर देश चला है, कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जिस रास्ते पर आगे बढ़े, पूरा देश आगे बढ़ा है कि आने वाला समय भारत का होगा, उस रास्ते के साथ कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर हम अपने देश को विश्व गुरु बनाने का काम करें, इसी संकल्प के साथ इस चुनाव में आए। 6 तारीख को आने वाली तो भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल का बटन दबाए
और उससे पहले आज से लेकर अभी से लेकर तुरंत से आप क्षेत्र में जाएं, सबको साथ जोड़ते हुए अधिक से अधिक लोगों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जोड़ने का काम करें। आप सबने प्रेम पूर्वक भाव पूर्वक हमें सुना, मान सम्मान दिया। मैं समस्त ग्रामवासियों का विशेषकर माताओं बहनों का धन्यवाद करूंगा जो इतनी बड़ी संख्या में आई। मैं अपना परम सौभाग्य समझूंगा कि मैं आप सबके काम आऊं। ना संप्रदाय का सत्संग सदैव हर समाज के हर व्यक्ति को लेकर काम करता है, सबके साथ मिलकर काम करता है, उसी भावना से मैं आप सबके बीच में आया हूँ। बोलो भारत माता की, भारत माता की।